Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. Okay, and we are talking about various educational thinkers, in which today I am going to discuss educational philosophy of Mahatma Gandhi, or you can say Gandhiji's views on education. Okay, and the lecture will be in bilingual mode. You can get the matter in English and explanation in Hindi. Okay, and it is very useful for various examinations as well as for your general knowledge, you can say. Okay, sorry. तो हम लोग को पढ़ना है गांधी जी, महात्मा गांधी ने शिक्षा पर क्या कहा है. देखिए, महात्मा गांधी को जब हम लोग शिक्षा को एक विषय के रूप में नहीं पढ़ते हैं, तो हम महात्मा गांधी को जनरली स्वतंत्रता उन्होंने हमें दिलाई इस मायने में याद रखते हैं. उन्होंने शिक्षा पर कुछ कहा है ऐसा जनरली हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, जब तक कि हम बीएड एमएड ना कर रहे हों, हमने एजुकेशन को एक विषय के रूप में ना पढ़ा हो. ठीक है, तो हम चूंकि एजुकेशन को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जानने वाले हैं, तो हमको ये जानना होगा कि महात्मा गांधी जो इतने महान विचारक हुए हैं, उनके उनके दृष्टिकोण से शिक्षा क्या थी, वो क्या सोचते थे कि शिक्षा को क्या करना चाहिए, एक शिक्षित व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनके हिसाब से शैक्षिक दर्शन क्या था. तो अगर हम उनका शैक्षिक दर्शन जाने तो ये पाएंगे कि हिज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज ए हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म. मतलब तो गांधी जी का शैक्षिक दर्शन है वो आप कह सकते हैं कि एक संतुलित ब्लेंडिंग है, मिक्सचर है, एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति बनती है किसकी किसकी, आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की और प्रयोजनवाद की. तो यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म का होना चाहिए. ठीक है, और आइडियलिज्म उनका बेस है गांधी जी की फिलॉसफी का, लेकिन नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म हेल्प करता है कैसे उनकी फिलॉसफी को प्रैक्टिस में लाया जाए. Therefore, he is known as practical idealist. तो philosophical point of view से देखें तो गांधी जी को हम एक प्रायोगिक आदर्शवादी कह सकते हैं. ठीक है, और उनका notion क्या था, his notion was education for life, education through life and education throughout life. यानी कि जीवन के लिए शिक्षा, जीवन education through life, जीवन के द्वारा शिक्षा एंड संपूर्ण जीवन के दौरान शिक्षा, एजुकेशन थ्रू आउट लाइफ. हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ हैज फोर एलिमेंट्स. और अगर आप उनका जीवन दर्शन पढ़ें, सभी लोग गांधी जी को जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, तो आप पाएंगे कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस एंड सत्याग्रह, ये चार मुख्य तत्व उनकी फिलॉसफी में मिलते हैं. मतलब सत्य, अहिंसा, भय की स्थिति ना हो और सत्याग्रह. ठीक है, अच्छा. गांधी जी बेसिक एजुकेशन, अच्छा अभी हम आगे पाएंगे कि गांधी जी ने जो अपनी फिलॉसफी दी एजुकेशन की, उसको वो बेसिक एजुकेशन के नाम से जानी गई है ना. तो गांधी जी बेसिक एजुकेशन वाज द प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. यानी कि उनका जो शैक्षिक दर्शन था, उनकी जो शिक्षा की फिलॉसफी थी, उसी का एक तरीके से प्रैक्टिकल जो है रूप हमको बेसिक एजुकेशन में मिलता है. हिज बेसिक एजुकेशन टेक्स अप द चैलेंजिंग टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द यंग लर्नर्स. मतलब कि जो सीखने वाला है, जो युवा वर्ग है, उनका जो बेसिक एजुकेशन है वो इस चैलेंज को स्वीकार करता है कि जो युवा वर्ग है उसको हमको बनाना है. क्या बनाना है? मॉरली साउंड, यानी कि वो नैतिक रूप से बढ़िया हो, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट, वो आत्मनिर्भर हो, सोशली कंस्ट्रक्टिव यानी कि सामाजिक रूप से वो रचनात्मक हो, यानी कि समाज को कुछ योगदान दे सके, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, वो आर्थिक रूप से कुछ प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो, एंड रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन्स, और वो भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक हो. मतलब देखिए, कोई चीज रह नहीं गई, मॉरली साउंड हो, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो, सोशली कंस्ट्रक्टिव हो, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो, रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन हो, विच कैन प्रूव हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
मतलब कि ये सब किस में मदद करेगा, जो बेरोजगारी की समस्या है उसके समाधान में मदद करेगा, बाय मेकिंग यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड बाय गिविंग देम स्किल ट्रेनिंग। यानी कि आप अगर कौशलों का प्रशिक्षण उनको देंगे तो वो स्वरोजगार में लिप्त हो सकेंगे। कौन? युवा। ठीक है, आगे भी मैंने बताया है आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गांधी जी कब ये बात कह रहे हैं। गांधी जी तब ये बात कह रहे हैं जब देश जकड़न से तुरंत तुरंत मुक्त हुआ है या जकड़न में है, और उस जकड़न से हमको मुक्त होना है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, अभी लाइट आ जाएगी, बेरोजगारी अपने चरम पर है हर तरफ। मतलब कि जो शिक्षा व्यवस्था, जो मैकॉले मिनट और जो अंग्रेजी पे अत्यधिक जोर है, उस सब ने देश की जो पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा व्यवस्था, उसको बिल्कुल चरमरा के रख दिया है। तो उन सब से निजात पाने के लिए गांधी जी अपना शैक्षिक दर्शन दे रहे हैं और अपने व्यूज हमको बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा। In his work on the educational philosophy of Mahatma Gandhi, M.S. Patel aptly summarizes Gandhiji's philosophy of education in these words. So, Gandhiji ki philosophy ko agar aap M.S. Patel ke shabdon mein janna chahe, to wo kehte hain, the object of realizing, abhi tak baat jaani chahiye thi, light aa jayegi, the object of realizing his ideal of a spiritual society as a stepping stone to the realization on God or truth, Gandhiji evolved an educational system as a dynamic side of his philosophy. There is a unity running through his concrete schemes and plans, making them a complete system of philosophy. मतलब कि गांधी जी को, गांधी जी की educational philosophy पर MS पटेल साहब quote करके कहते हैं कि with the object of realizing his ideal of a spiritual society, basically वो क्या, एक spiritual being थे, basically वो idealist थे, है ना? तो बेसिकली जो उनका ऑब्जेक्ट था कि हम एक स्पिरिचुअल सोसाइटी को अटेन कर सकें, गांधी जी का पूरा एजुकेशनल सिस्टम क्या है, उनकी इसी फिलॉसफी का डायनेमिक साइड है। आपने ये पढ़ा होगा कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, ये एक बहुत फेमस कोट है। कि शिक्षा क्या होती है, दर्शन का जो गत्यात्मक पक्ष है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा आप दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन भी गत्यात्मक, दर्शन भी स्थिरता है, गति किसमें है, शिक्षा में। ठीक है, देयर इज अ यूनिटी रनिंग थ्रू हिज कॉन्क्रीट स्कीम्स, यानी कि वो जितनी भी योजनाएं बता रहे हैं, जितनी भी स्कीम बता रहे हैं, सब में एक यूनिटी है, मतलब एक एकता दौड़ रही है। मतलब ऐसा नहीं कि ये बात उस बात से भिन्न है, सारी बातें, सारा स्कीम, सारी प्लानिंग में एक अंडरपिनिंग यूनिटी है, मेकिंग देम अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ फिलोसफी, जो कि उसको एक फिलोसफी का, दर्शन का कंप्लीट सिस्टम बनाती है। मतलब कि उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी मेनली उनके स्पिरिचुअल बीइंग के होने का गत्यात्मक पक्ष है। ठीक है, अच्छा, ये वही बात आ गई जो भी मैंने आपसे कही कि बिफोर वी बिगिन टू अंडरस्टैंड गांधी जीज व्यूज ऑन एजुकेशन, इससे पहले कि हम गांधी जी के व्यू को शिक्षा पर समझ पाए, इट इज नेसेसरी टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल के समय जो शैक्षिक व्यवस्था हमारे यहाँ थी, उसका बैकग्राउंड हमको समझना चाहिए। और गांधी जी चाहते हैं कि वो सब जो गंदगी आ गई है, जो व्याधियां आ गई हैं, उनको हम कैसे उनसे दूर पा सके, दूर हो सके, है ना? तो जो वो ब्रिटिश रूल था, उसने क्या किया था, द सिस्टम डाइवोर्स द चाइल्ड फ्रॉम इट्स सोशल सराउंडिंग। सबसे पहले वो सिस्टम ने बच्चे को, विद्यार्थी को, उसकी सामाजिक जड़ों से काट दिया, क्रिएटेड न्यू कास्ट, नई जाति, जातिवाद और ये सारी बातें निकल कर आई। लेड इम्फेसिस ऑन लिटरेसी एजुकेशन, मतलब उस वक्त इस बात पर बल दिया जाने लगा कि आपको साक्षर है तो आप शिक्षित है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि साक्षर होना शिक्षित होना नहीं है। एंड देयर वॉज ए नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, और उस वक्त क्या हो गया था कि जो जनमानस की शिक्षा थी उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया था। तो जब महात्मा गांधी जब अपनी शिक्षा देते हैं, जब अपनी शिक्षा दर्शन की बात करते हैं, तो वो इन सब चीजों को दूर हो सके ऐसी शिक्षा की बात करते हैं। तो गांधी जी का ये बहुत फेमस कोट है, आप लोगों ने जरूर इसको पढ़ा होगा, जानते होंगे, याद होगा आपको कि गांधी जी हैज हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड, उन्होंने खुद कैसे डिफाइन किया है शिक्षा को, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मैन्स बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा उनका अर्थ है कि एक जो बालक है, जो व्यक्ति है, उसका ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट, मतलब जो भी उसके अंदर निहित है, उन सबका जो बेस्ट है वो बाहर निकल कर आ सके। कहाँ कहाँ से, उसके शरीर का, उसके मन का, उसकी आत्मा में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो
एजुकेशन के द्वारा बाहर निकल आना चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि लिटरेसी इज नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि जो साक्षर होना है या साक्षरता है वो न तो शिक्षा की शुरुआत है और न ही शिक्षा का अंत है, बल्कि क्या है ये, दिस इज ओनली अ मीन्स थ्रू विच मैन और वुमेन कैन बी एजुकेटेड। वो कह रहे हैं ये साक्षर होना या साक्षरता सिर्फ एक माध्यम है जिसके तहत एक व्यक्ति या स्त्री शिक्षित हो सकती है। समझ में आ गई बात ना, यानी कि हमको अक्षर ज्ञान है इसका मतलब शिक्षित हम नहीं है, बिकॉज शिक्षा बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ब्रॉड है। अभी आप देखेंगे कि गांधी जी क्या क्या चाहते हैं कि अगर हम शिक्षित हैं तो शिक्षा को ये 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 काम करने चाहिए हिम। और वो क्या कहते हैं, एजुकेशन इज ऑल्सो एन अवेकनिंग ऑफ द सोल, यानी हमारी आत्मा में पुनर्जागरण हो जाए, जाग जाए, जागृति आ जाए, वो शिक्षा है। इन स्ट्रेंथनिंग द इनर वॉइस, यानी कि जो हमारी अचेतन की आवाज है, जो हमारी आंतरिक आवाज है, उसको बल मिले, वो शिक्षा है। और क्या कहते हैं वो, कि ट्रू एजुकेशन एज ही ओपाइंड, मतलब उन्होंने अपने ओपिनियन दिया, विचार रखा कि मतलब सच्ची शिक्षा क्या है, हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी हार्ट माइंड एंड सोल, यानी हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, मन, हमारी आत्मा, सब एक हार्मोनियस फंक्शनिंग में काम करें। ऐसा नहीं कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्मोनियस फंक्शनिंग, वो सामंजस्यपूर्ण तरीके से मिलजुल के काम करें। एंड स्टिमुलेट्स, और स्टिमुलेट करें क्या क्या, हमारी स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल फैकल्टीज को, यानी कि हमारा जो बौद्धिक है, हमारा जो आध्यात्मिक है, हमारा जो शारीरिक, हमारी जो फैकल्टीज हमारी बॉडी में है, वो सब स्टिमुलेट हो जाएं और सब हार्मोनियस फंक्शनिंग के रूप में काम करें, वो शिक्षा है। समझ में आया? He felt that an undue emphasis on any one of these factors, कह रहे हैं कि इन सब का हार्मोनियस फंक्शन होना चाहिए, और अगर हम किसी पर भी एक undue emphasis करते हैं तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, नॉट ओनली निगेट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर एजुकेशन बट ऑल्सो रिटार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, मतलब ये दिक्कत करेगा और हमारे स्व का संपूर्ण विकास नहीं पाएगा। मतलब कि जितना भी है आपका बॉडी, हार्ट, माइंड, सोल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, एवरीथिंग है ना, सबका हार्मोनियस फंक्शनिंग होना चाहिए, सबका समूल और समान और पर्याप्त विकास होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या कह रहे हैं गांधी जी, गांधी जी अटैच्ड मच इंपॉर्टेंस टू द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष पे उन्होंने बहुत बल दिया। वेयर इन द इनर कल्चर मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन वन स्पीच एंड कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स। देखिए, जो हमारी संस्कृति होती है वो रिफ्लेक्ट करती है जब हम बोलते हैं, जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इसका मतलब कि शिक्षा को हमारे इनर कल्चर को भी एनरिच करना है। एजुकेशन इज गांधी इनविजेंट Also focuses on social welfare. देखिए, social welfare की बहुत बात की है गांधी जी ने। वो कह रहे हैं कि सच्ची शिक्षा वो है जिसमें हम सामाजिक कल्याण के विषय में सोचें। ये नहीं हो कि हम अपना विकास करें और समाज का विनाश करें, ये नहीं होना चाहिए। Never diverted the goal of education from rural reconstruction. देखिए, आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गांधी जी कहते हैं कि भारत गाँव में बसता है। आपको उस समय का देश काल परिस्थिति के बारे में सोचना होगा कि उस वक्त कैसा समाज था हमारा। एकदम गरीबी थी, जो गांव थे उसमें वो बिल्कुल विकास से दूर थे, वहाँ सफाई नहीं थी, हाइजीन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा का लक्ष्य कभी भी ग्रामीण पुनर्विकास, पुनर्रचना से दूर नहीं होना चाहिए, मतलब वही होना चाहिए। He was in favor of the youth serving the villages and attaining सर्वोदय। वो कह रहे हैं कि जो यूथ है, जो युवा है, जो शिक्षित है, वो क्या करे, वो गांवों की सेवा करे, गांव में जाए, वहां पे अपना सेवाएं प्रदान करे और सर्वोदय को हम प्राप्त कर सके। सर्वोदय मतलब सबका उदय। ऐसा नहीं है शहर विकसित हो जाए, शिक्षित विकसित हो जाए और बाकी लोग विकसित ना हो, ये नहीं होना चाहिए। गांधी जी वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द यंग पीपल टीचिंग द विलेजर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ। कह रहे हैं गांधी जी ये भी मानते थे, इसके पक्ष में थे, जो युवा वर्ग है वो जाए गांव में और जो वहां के लोग हैं उनको स्वच्छता और हाइजीन की महत्ता की शिक्षा दे, इस तरीके का सोशल सर्विस करे, यानी कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव वेलबीइंग का डेवलप हो, यानी कि कल्याण का एक मतलब होलिस्टिक टोटल पर्सपेक्टिव हो, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ विकास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गांधी व्यूड सोशल सर्विस एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि सोशल सर्विस जो है वो एक शिक्षा का मूलभूत भाग होना चाहिए।
एंड ऑफ ऑल एजुकेशन शुड श्योरली बी सर्विस. वो कह रहे हैं कि शिक्षा का अंत यही है कि हम कितनी सेवा प्रदान कर सकते हैं. एंड इफ अ स्टूडेंट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रेंडरिंग सर्विस इवन व्हाइल्स्ट ही इज स्टडीइंग ही शुड कंसिडर इट एज अ रेयर अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीट इट नॉट रियली एज अ सस्पेंशन ऑफ हिज एजुकेशन बट रादर इट्स कॉम्प्लीमेंट. सॉरी. गांधी जी कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है, पढ़ने वाला है, विद्यार्थी है और उसको अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान सेवा प्रदान करने का मौका मिल रहा है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि शिक्षा में कहीं कुछ कमी आ रही है, बल्कि उसको एक रेयर अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए और जरूर ऐसा करना चाहिए. और गांधी जी की फिलॉसफी में क्या क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंडक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइटियसनेस, डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग, क्राफ्ट लर्निंग, है ना. एक बार आने लगती है तो आती रहती है, वरना ठीक हो जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रीट ऑल लिविंग बींग्स विद रेस्पेक्ट, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड लव. ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े आदर्श हैं जिनको अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी थोड़े लेवल तक भी अगर हम रियलाइज कर सके, अपना सके, तो इसका मतलब कि शिक्षा ने अपना काम कर दिया है या हम सही मायनों में शिक्षित हैं. ठीक है, और क्या बात करें गांधी जी, वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि चरित्र का विकास, चारित्रिक विकास हमारी शिक्षा का अल्टीमेट एम होना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि हम शिक्षित हैं पर हमारे चरित्र का विकास ही नहीं हुआ है. इट इज अ श्योर स्टेपिंग स्टोन टू नेशन बिल्डिंग. इससे अगर हमारा चरित्र का विकास होगा तो राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा. वो कह रहे हैं कि द एंड ऑफ ऑल नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम मस्ट बी बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर. वो कह रहे हैं कि ज्ञान का अंत कहाँ जाकर है कि अगर हमारे चरित्र का निर्माण हो जाता है तो. और वो क्या कह रहे हैं, गांधी नॉट ओनली हैड गांधी अ कॉन्क्रीट कंसेप्शन ऑफ सच अ पर्सनैलिटी बट ऑल्सो ही पजस्ड अ पर्सनैलिटी ऑफ द काइंड ही वॉन्टेड अदर्स टू डेवलप. देखिए मान लीजिए कि हम शिक्षक हैं और हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि डिसिप्लिन पढ़ाना चाहते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहते हैं, हम उनको डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, हम उनको पंक्चुअल बनाना चाहते हैं और हम रोज क्लास में लेट आते हैं, वो कभी नहीं सीखेंगे. अगर हम रोज क्लास में टाइम से जाते हैं, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम वो बातें फॉलो करते हैं जो हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स फॉलो करें, तब तो उसका कोई अर्थ है. तो इसी तरह से गांधी जी चाहते थे जैसी पर्सनालिटी शिक्षित व्यक्ति की होना, वैसी वो खुद रखते थे. इसीलिए उनके इतने फॉलोअर्स थे, इसीलिए उनकी एक आह्वान पे, उनकी एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था. ऐसा नहीं कि वो खुद कुछ और कर रहे हैं, आपसे कुछ और कह रहे हैं. ठीक है, फिर quote him again, the Gandhian conception of personality is a holistic personality in which every aspect, attitude and aptitude is given a balanced development and his concept of education puts the highest importance on the formation of the individual's personality which will be capable of subsuming the highest and ultimate ideals of human life. ठीक है, मतलब वो कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहते हैं, वो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी चाहते हैं और होलिस्टिक पर्सनालिटी ऐसी जिसमें सब कुछ आ जाएगा. और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए ना, मतलब स्पिरिचुअल भी हो रहा है, फिजिकल भी हो रहा है, मेंटल भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है. और शिक्षा हमको क्या बनाए, हमारे अंदर विकसित हो सके क्या टॉलरेंस की क्षमता, हमारे अंदर लव डेवलप हो, मानवीयता डेवलप हो, विच आर नेसेसरी प्री कंडीशन टू इम्बाइबिंग दी वर्च्यूज ऑफ नॉन वायलेंस. देखिए वो अहिंसा का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए. उनके ही शब्दों में क्या कहा जाएगा कि योर एजुकेशन शुड बी बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ एंड लव. मतलब कि आपकी शिक्षा किस पर, आपकी शिक्षा का निर्माण किस पर होना चाहिए, जो नींव है उसकी वो सत्य और प्रेम पर होनी चाहिए. मतलब बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े आदर्श हैं.
और क्या कह रहे हैं वो कि एजुकेशन मेक्स इट पॉसिबल टू डेवलप ए बैलेंस्ड पर्सनालिटी, है ना, यानी कि हमारा व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा अगर हम सही मायनों में शिक्षित होंगे. और मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात उन्होंने कही. उन्होंने कहा कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग दी जाए बच्चे को. एडल्ट एजुकेशन पे क्या कहते हैं वो, गांधी वॉज डीपली पेन्ड एट द मास लिटरेसी इन इंडिया, मतलब मास इलिटरेसी इन इंडिया होना चाहिए था, मतलब जो जनमानस अशिक्षित है इतनी बड़ी संख्या में, उससे वो बहुत दुखी थे. वो कहते थे कि ये इंडिया के लिए शर्म की बात है, पाप है, इट मस्ट बी लिक्विडेटेड, और हर मायने में इसको दूर किया जाना चाहिए. एडवोकेटेड टीचिंग द मासेस एज टू हाउ टू रीड एंड राइट एंड ड्राइव आउट द इग्नोरेंस थ्रू केयरफुली सेलेक्टेड टीचर्स विद एन इक्वली केयरफुली सेलेक्टेड सिलेबस अकॉर्डिंग टू विच दे वुड एजुकेट द एडल्ट विलेजर्स माइंड. वो कह रहे हैं कि जनमानस को शिक्षित कीजिए बहुत, मतलब सावधानी पूर्वक उन शिक्षकों का चुनाव हो जो शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं, और इक्वली वो पाठ्यक्रम भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए, बहुत बढ़िया से बना होना चाहिए, जिससे हम जो जो एडल्ट हैं, जो विलेजर्स मतलब ग्रामीण, जो वयस्क ग्रामीण है उनको शिक्षित कर पाए. क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, देखिए जो वयस्क होता है उसका एक माइंड सेट डेवलप होता है. यहाँ पे आपको माइंड सेट में चेंज करना है, आपको अक्षर ज्ञान नहीं देना है, माइंडसेट चेंज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. ठीक है, फिर विमेन्स एजुकेशन पे वो क्या कह रहे हैं, गांधी जी वाज कीन ऑन द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एंड वाज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस डाउरी सिस्टम एंड आल्सो द पर्दा सिस्टम. देखिए हम लोग इस समाज में हैं जहाँ पे बाल विवाह है ना, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा ये अब अवगुण नहीं है समाज में, लेकिन तब थे. तो वो चाहते थे कि स्त्रियों को लड़कियों को शिक्षित किया जाए ताकि ये दूर हो सके, ये गुण है ना, ये अवगुण. उन्होंने कहा कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा एक उपकरण है, टूल है, जिससे कि स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है, जिससे कि वो अज्ञान से, सुपरस्टिशन से, जो अंधविश्वास है, जो हमारी सामाजिक बुराइयां आ गई हैं समाज में, उनसे दूर हो सकती हैं कौन, स्त्रियां, अगर वो शिक्षित हो जाएंगी तो. उन्होंने कहा कि गांधी जी फेल्ट that women if educated would break the shackles of enforced widowhood, मतलब उनके ऊपर जो विधवा, उनको बन के रहना है, उनके बाल कटा देने हैं, उनको जीवन भर इतनी इतनी चीजों से विरक्त रहना है, उनपे इन्फोर्स किया गया, उससे वो मतलब उसके विरोध में आवाज उठा सकती है अगर वो शिक्षित होंगी तो. प्रोस्टिट्यूशन है, जो डाउरी सिस्टम है, इकोनॉमिक बॉन्डेज है, मैराइटल स्लेवरी है. देखिए हम आप जिस समाज में है वहां बहुत स्त्रियों की दशा बढ़िया है ना, पर उस स्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते जिस स्थिति की, जिस समाज की बात कर रहे हैं गांधी जी, तो हमको उनके समय में जाकर सोचना होगा. और उस वक्त अछूत बहुत था कि मतलब छूना नहीं है, ये अछूत वर्ग के सदस्य हैं, तो उन्होंने उनकी भी शिक्षा की बात की, अनटचेबल्स की. गांधी इलेबोरेटेड ऑन हाउ टू टीच दीज चिल्ड्रन एंड मेक देम रिपोजिटरीज ऑफ क्लीनलीनेस. देखिए हाइजीन, क्लीनलीनेस, हेल्थ, इसका भी बहुत गांधी जी के एजुकेशन में, उनके सिस्टम में, उनके विचारों में इसकी इसकी महत्ता है कि आप उनको स्वच्छता सिखाइए, स्वच्छ कैसे रहा जा सकता है. दी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग शुड कंसिस्ट इन टीचिंग चिल्ड्रन मैनर्स, आप उनको अच्छी आदतें सिखाइए, गुड स्पीच, गुड कंडक्ट, एंड रिलीज देम फ्रॉम द मिजरेबल स्टेट ऑफ कंडीशंस दे लिव इन, जो वो मतलब दयनीय दशाओं में रह रहे हैं उससे उनको आप शिक्षा के द्वारा मुक्त कर सकते हैं. ठीक है, फिर लास्ट स्लाइड. आज चूंकि बहुत ही ज्यादा गला खराब है इसलिए बहुत दिक्कत हुई बोलने में, आपको समझने में भी हुई होगी, आई एम सो सॉरी, बट बिकॉज की BA पार्ट 3 का एग्जाम लगा हुआ है और उनके संग ये मैटर शेयर करना जरूरी था, इसलिए मुझे इस मिजरेबल कंडीशन ऑफ माई थ्रोट में ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसके लिए सॉरी, बट कंटेंट आपको मिल गया होगा आई थिंक सो. तो वाघा स्कीम आई थी जो बेसिक एजुकेशन की 1937 में, वो एक समअप कर लेते हैं इसमें. गांधी जी's ideas on education called the basic national education scheme which he had been voicing in Harijan for many years. देखिए हरिजन एक पत्रिका थी जिसमें वो लिखते थे, अपनी आवाज उठाते थे, उसमें ये बेसिक मतलब ये बातें इन्होंने कही. एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1937 में. देखिए 1937 में भी ये सब हो रहा था. हम लोग आज 2020 में करते हैं कोई कॉन्फ्रेंस से बिना तो हमको लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कोई. 100 साल पहले भी हो रहा था, ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी और बढ़िया बातें उसमें कही जा रही थी. तो इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो गांधी जी के जो व्यूज थे, जाकिर हुसैन इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके संग उन्होंने शेयर किया, फिर ये पेन डाउन हुआ. और देखिए पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स अप टू 14 इयर्स. अब जब राइट टू एजुकेशन आया है
तब हम इसमें ये बात कहते हैं, 100 साल पहले ये बात की जा रही थी कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कीजिए। और क्या कह रहे हैं गांधी जी, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क। वो कह रहे हैं कि क्राफ्ट के तहत उनको बनाइए, SUPW है ना, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, कि आपको कुछ बनाना सीख सके विद सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड। फिर कह रहे हैं सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम हो, जिसमें कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल बिल्डिंग, बुक्स होना चाहिए था सॉरी, फर्नीचर एक्सेट्रा प्रोवाइड करें। एक्चुअली मेरे में के ना जल्दी टाइप नहीं होता है, के को ध्यान देना पड़ता है, अक्सर दबाव तो टाइप होता नहीं है। एजुकेटिंग थ्रू मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए अब NET 2020 बात कर रहा है कि मदर टंग में शिक्षा दो, गांधी जी कब कह रहे थे इसको, है ना। वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे तो कम से कम मदर टंग में शिक्षा दीजिए, क्योंकि वो स्टेज है जब बालक मतलब क्यूरियस है, क्रिएटिव है, तो जब उसके विचारों को उसको शब्द नहीं मिलेगा तो वो विचार उसके मतलब खत्म हो जाएंगे ना, तो वहां तो विचारों को शब्द मिलना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड टू इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर। आज NET 2020 हमको कहता है कि कल्चर से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो, प्राइड फील करो, ये बातें बहुत पहले कही गई हैं। इन मेकिंग इन देम द राइट एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, मतलब उनमें एथिकल और मॉरल वैल्यूज डेवलप किए जाए, और एक्सपोजिशन ऑफ द कल्ट ऑफ नॉन वायलेंस इन एजुकेशन, मेकिंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द आइडियल्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के गुणों का विकास हो। देखिए आजकल अभी यूथ रॉयट होता है, बच्चे जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अच्छे यूनिवर्सिटीज के बच्चे फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं सरकारी संपत्ति में। सरकारी संपत्ति सरकार ने अपने पैसे से नहीं खरीदी है, हम जो उसको टैक्स देते हैं सरकार ने उसी से खरीदी, तो एक्चुअली आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। क्यों आप में सिटीजनशिप का गुण नहीं आया, क्यों आप में नॉन वायलेंस आपने नहीं सीखा शिक्षा से, ठीक है। अंडरस्टैंड राइट्स ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एज मेंबर्स ऑफ सिविलाइज कम्युनिटीज एंड इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटी विद सोशल सर्विस एज द डोमिनेटिंग मोटिव। तो ये सारी बातें इसको आप एलिबरेट भी कर सकते हैं। और बेसिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाई, क्योंकि जो इसकी क्रिटिक हुए उन्होंने कहा वो समझ नहीं पाए इसका बेसिक मोटिव। वो उन्होंने समझा कि बच्चे को ये मजदूर बनाना चाहते हैं, बच्चे को ये बनाना चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ क्राफ्ट सीखे। उन्होंने कहा क्राफ्ट को हर विषय से जोड़ के सिखाइए, ताकि जो लोकल क्राफ्ट जहाँ का भी है वो फ्लरिश होता रहे। आप देखिए कई जगह का लोकल क्राफ्ट एकदम कुछ कारखानों तक सिमट के रह गया है, और बच्चे जो शिक्षित होकर निकल कर आते हैं उनको ना तो ज्ञान है, ना कौशल है, ना उनके पास कोई भी ऐसी चीज है जिससे वो स्वरोजगार या किसी रोजगार में शामिल हो सके। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि जो मार्केट डिमांड है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट के लायक नहीं है, ठीक है। तो दिस स्कीम गेव बर्थ टू द सिस्टम ऑफ नई तालीम एज एडवाइज्ड बाय गांधी जी। तो ये रहा टोटल उनका मतलब। आप वो चाहते हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, वो चाहते हैं होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, वो कह रहे हैं लिटरेसी सिर्फ शिक्षा नहीं है, वो कह रहे हैं जनमानस को शिक्षित कीजिए, गांव में सेवा दीजिए, विमेन की एजुकेशन की बात करें, एडल्ट एजुकेशन की बात करें, मतलब कम्प्लीट फिलोसफी है इनकी, कम्प्लीट एजुकेशनल फिलोसफी है, और बिल्कुल अपने समय मतलब समय से तो बहुत आगे है, और एकदम उपयुक्त है उस समय के लिए दी गई है, इवन आज भी उपयुक्त है। मतलब 100 साल तक इसकी सार्थकता बनी हुई है, आप समझ सकते हैं कि विचार कितने विजनरी है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर माई थ्रोट टूडे, बिकॉज बहुत दिक्कत हुई बोलने में, लेकिन आई होप सो कि जल्दी ही गला ठीक हो जाएगा, तो आगे के वीडियोज में आपको सही वॉइस आएगी समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।